رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ہماری جو گفتگو چل और उसमें बाबुन बाबून फिलबा खेबत के अयाम में जो चीज़ मसाइल पेश आएंगे और जो असहाब आइम्मा ने सवाल किए वो उनके ऊपर गुफ्तु थी और आइम्मा के असाब ने जो खेबत के अयाम में जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ इस मानों में के क्या करें तो इमाम ने दो तीन दफ़ा ये कि दुआएँ तालीम फ़रमाईं और एक जगह पर मोहब्बत और नफ़रत के बारे में कहा कि जिससे मोहब्बत कर रहे हो उससे मोहब्बत करते रहना जिससे बोझ रखते हो उससे बोझ रखना यह भी एक चीज़ बताई और फिर ये भी बताया कि जब परेशान हुआ रावी तो इमाम ने यह भी कहा कि सूरज की मिसाल दी दोपहर का सुबह का वक्त था और दीवार में एक शिगाफ सा था वहाँ से सूरज की रोशनी छन छन के आ रही थी तो वहाँ पे इमाम ने मिसाल दी कि देख रहे हो सूरज को जब हमारा बारवा ज़ाहिर होगा तो जिस तरह से ये रोशनी है धूप है वाजह है तुम्हारे लिए उसी तरह से तुम देख सकोगे तो ये दो तीन चीज़ें बताएं, यहाँ पर ग़ैबत के सिलसिले में और ये बाकायदा एक टॉपिक है बड़ा तवील और अरीस के अयाम गबत में हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं रिवायात माँ ने बताया है मुसलसल कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो हमेशा हैं हमारे लिए कुछ ज़िम्मेदारियाँ चाहे माँ मौजूद हों या ना हो नमाज आपको पढ़नी है वाजिबात को अंजाम देना है आपको बरदरा ने ईमानी की बरदरा ने दिनी की जिस हद तक हो सके उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है मदद करना है हज है उम्र है ज्यारतें इस तमाम की तमाम चीज़ें चाहे इमाम सामने हो चाहे इमाम सामने ना हो आपको अंजाम देनी है इमाम जब नज़रों से ग़ायब है उझल है और इमाम के साथ ज़ाहरी लिहाज से जिस्मानी लिहाज से फ़िज़िकली हम कॉन्टेक्ट में जब नहीं आ सकते तो यहाँ पर एक जो मसला पेश आता है मुख्तलिफ है जो कि इमाम के हुजूर से और हाज़िर होना इमाम का सामने होने से वो ये है कि अब आपके पास वेरिफिकेशन के लिए कोई नहीं है जब वेरिफिकेशन के लिए कोई नहीं है तो वो चीज़ें जो अकल इंसानी समझाती है वाजें हैं जिसके ऊपर हमें पता है कि तमाम आय ने बताया है और बड़ों का अदब छोटों का एहतराम रहम शराफत पाकिजगी तहारत हया बेहया से बचना बेहूदगी से बचना हराम खानी से बचना ये सब बातें वाजें हैं लेकिन जब इमाम नहीं हैं तो जो मसाइल नए हमारे सामने पेश आ रहे हैं मिसाल के तौर पर यह ऐसी चीज़ें कि जो ये इस जुमले को भी छोड़िए यह एक बड़ी अलग गुफ्तु दूसरी तरफ चली जाएगी इमाम को एक तो ये कि गैबत के अयाम में अपने चाहने वालों को वो हुकुम दिया कि अपने वाजिबात हराम सब चीज़ों से बचते रहो सब दीन के ऊपर चलते रहो ये वाज इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं कॉमन सेंस का तकाजा है ये भाई जो वाजिब है वाजिब है जो हराम है वो हराम है जो गलत है वो गलत है जो सही है वो सही है आपको ये काम करना है चाहे आप तकलीद के हामी हैं तकलीद के मुखालिफ़ हैं आप अखबारियाँ आप उ आप मातमी आप नमाजी जिस जो भी हमने नाम रखे हुए वो हैं सबको पता है कि ये चीज़ ग़लत है नहीं करनी ये चीज़ अच्छी है करनी इसमें कोई बहस नहीं है जो नुकता है यहाँ पर जो चीज़ अहम है वो ये कि जो मुमन के सामने सवाल है कि जब हमारा इमाम ज़ाहिर होगा तो हमें इमाम के साथ होना है इमाम के दुश्मनों के साथ नहीं होना आज के ज़माने में आप कह सकते हैं कि मैं फ़लाँ निज़ाम का फ़लाँ फ़िक्र का ना हूँ ना मुफ़ ना मैं उसकी हिमायत करूँगा ना मैं उसकी मुखालफत करूँगा आज कह सकते हैं आप कोई हरज नहीं है मैं नहीं कर रहा मुखालफत आपकी मैं हमायत भी नहीं कर रहा कोई मसला नहीं है कोई हरज नहीं है कोई कुफर का बायस नहीं है कोई फिस का बायस नहीं है ये, मगर कुछ ख़ास मवालद में जिनका जिक्र तो मसाइल में है तो ये बात वाज हो कि अगर मैं आपका हामी नहीं हूँ तो आपका मुखालिफ हूँ यह एक गलत फ़िक्र रवायात अदीस इसको सपोर्ट नहीं करती गैबत कुब्रा के अय्या में जो चीज़ अहम तरीन है मैंने कहा कि कामन सेंस है समझ में आ रही है बात जो हराम है हराम है जो वाजिब है वो वाजिब है इसमें कोई बहस ही नहीं है सब पता है आप एक आम आदमी से भी पूछें तो वो आपको 150 200 के करीब चीज़ें गिनवा देगा जो हराम है और 200 सौ ढाई सौ डेढ़ सौ गिनवा देगा जो वाजिब में करनी चाहिए तो इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं मसला क्या है मसला कहाँ पर आता है कि जब इमाम का ूर होगा तो आपने गैबत कुबरा में ज़िंदगी इस तरह से गुजारी हो कि ूर के वक्त अगर आप मर चुके हों तो आपको क़ब्र से निकाल कर इमाम के लश्कर में शामिल किया जाए और अगर आप ज़िंदा हों और आपकी ज़िंदगी में ूर हो जाए तो आप इमाम के हामियों में से हों बस नहीं देखें हम इमाम के ना हामी होंगे तो मुखालिफ ये नहीं हो सकता हजरत खुदा के सिलसिले में आपका मौक़ वाजे होना चाहिए जैसे ही चौदह मासूमिन से बात नीचे आई हाँ आप, आप मैं आपके मर्ज़ तकलीद का ना हामी हूँ ना मुखालिफ हूँ कोई हराम काम नहीं है इसमें कोई गलत काम नहीं है आप वहाँ इमाम बाड़े में आज़ादारी कर रहे हैं मैं आपकी आज़ादारी के अंदर ना आपकी मुखालफत कर रहा हूँ आपके मम बाड़े की ना हिमायत कर रहा हूँ कोई हराम नहीं है आप वहाँ पर नमाज पढ़ा रहे हैं मौलाना साहब मौलाना साहब जो नमाज़ पढ़ा रहे हैं मैं उनकी ना हिमायत करता हूँ ना मुखालफत कोई हरज नहीं है सही है लेकिन आप जब गैबत कुब्रा के बाद जब, जब, जब ूर होगा जब हज़रत हज सामज्ला फ़र्ज व शरीफ जब अपने आप को ज़ाहिर करेंगे खुदा के हुक्म से उस वक़्त आप अपने आप को न्यूट्रल या बैैर जानेबदार नहीं रख सकते तो अब इस जुमले को इस मुकदमे को इस तमीद को देख कर हमें उन चीज़ों की तरफ़ तवज्जो करनी चाहिए कि जो गैबत कुबर में इमाम ने कहा है ढके ले जा रहे हैं इमाम मुसल करो ये काम करो गैबत कुबर में करो इस काम को करो इसका मतलब ये कि इस काम को करने की ताक़द गबर में इसकी फ़सल कटेगी कब ये बीज जो आप बो रहे हैं इसका पौधा निकलेगा कब ये बीज जो आप बो रहे हैं इसका फल कब निकलेगा हूर के वक्त लिहाजा अब यहाँ पर बात ये नहीं हो रही कि नमाज पढ़नी चाहिए हमारी ग़बत में ज़िम्मेदारियाँ वो तो चाहे इमाम हो तब भी पढ़नी चाहिए हमारी ख़वातिन को बेहयाही बेहूदगी से और बच्चों को मर्दों औरतों को बेहदगी से बचना चाहिए यह तो इमाम हो या ना हो बिल्कुल वाज वाजिब है खुम्स देना चाहे जकवात ज़्यादत पे जाएँ नमाज़ पढ़ें झूठ ना बोलें गिरबत ना करें यह ना करें ये तो सब वाजबात गैबत कुबरा के अंदर और फिर जो इमाम ने जिनको कहा कि यह गुना करोगे तो उसका यह नतीजा है तो फिर वो एक अलग गुफ्तु हो जाती है लिहाजा गैबत कुब्रा में हमारी ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ और सिर्फ उनकी यही तफसीर तबीन तशरी है इसके अलावा कुछ नहीं है और आपको देख लीजिए कि जहाँ भी आपको कोई चीज़ दिखे पूरी रवायात में आप देख रहे जो गैबत के बारे में लिखी गई हैं ग़बत की तैयारी के बारे में इस नाम से कि तैयारी का तर्जुमा तहै है ताहब है और तवान है तोन है ये सब लफ्ज़ अरब नज़दीक नज़दीक इस्तेमाल करता तैयारी आमादा तैयार हो जाना प्रीपेयर हो जाने के लिए तो तो आता हब एदाद यह लफ्ज़ आपको गैबत कुबरा के अंदर कहीं नहीं मिलेंगे कि गैबत कुबर के बाद ूर की तैयारी करो ूर की तैयारी आपका काम ही नहीं है ूर एक तरफ खुदा दूसरी तरफ हज़रत हैं आप कहाँ से आ गए तैयारी करने में आप ूर के वक्त आप शामिल रहें हज़रत के साथ इसवान से इस गुफ्तगु को करना चाहिए या गैबत में हज़रत जो इस वक्त गायब नज़रों से तो हमारे अमाल जाते हैं इमाम खुश रहें हमारे अमाल से ये दो इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं है बज़ दफा जाता है कि आप ये करेंगे तो इमाम ूर करेंगे आप वो करेंगे तो इमाम ूर करेंगे सिर्फ और सिर्फ दुआ के बारे में है मार्फत के बारे में मोहब्बत को फैलाने के बारे में इमाम ज़माना की इमाम ज़मान के बारे में तसवर कीजिए आप आमाल इंडिपेंडेंटली पैरेलल चलें कुबरा में कि ये अमल तो मेरी तवज़ी मसाइल के मुताबिक है और ये अमल है इमाम के जहूर के लिए ऐसा कोई सिलसिला नहीं है जो चीज़ मुस्तहब है वो है जो चीज़ मकरू है वो है जो मुस्तहब मुअक्कद है वो है ये तो कर लिया अब इमाम के लिए आप क्या कर रहे हैं वो जो तो़ी मसाइल में लिखा है वो जो अखलाक़ है अहत जो किरदार है जो आपको माल का सदका निकालना है जो आपको वक्त लगाना है जो आपको अपने बिरदरान दीनी के लिए काम करने ख़िदमतें करनी है वो ूर की तैयारी कर रहे हैं आप तो ये समझ लीजिए कि अलग से किसी चीज़ का नाम नहीं है ूर की तैयारी करना और ूर आपके और मेरे कामों के ज़रिए नहीं होगा और अगर हम लोग सुधर जाएँ तो ूर हो जाए किस रवायत में आया है ये कि हम लोग सुधर जाएँ तो ूर हो जाए मुझे कोई रिवायत बता दे मैं यहाँ पर ये यह कह रहा हूँ कि मुझे बताएं कि अगर ये ममिन सुधर जाएं तो हम ऊर कर लेंगे ये किसी रिवायत में तो मुझे बताइए जो रिवायत आप ला सकते हैं या इस बात के को कहने वाले वो एक रिवायत है लेकिन उस रिवायत के क्योंकि दो तीन माना है तो आप क्या बात दलील है कि यह माना है ववायत जो हज़रत उज्जस नकलोति वाला शिह आना व फ़क़मल आते अगर हमारे शीह के ख़ुदा उनको तोफ़ी दे इताद की अगर साबित कदम रहते तो लमहता अखरान हम तो ताखिर नहीं होती हमारी मुलाकात की बरकत से उनको तो ये मुलाकात की बात हो रही है या ूर की ूर एक अलग चीज़ है मुलाकात एक अलग चीज़ है बहरहाल बड़ी पेचीदा गुफ्तु है मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि आपके लिए कोई नई शरीय नया अखलाक अहलबैत नई सुनत आइम्मा और जो आइम्मा ने कहा है कि वाजिबात हराम मुस्बात समाज में कैसे रहो कोई नई चीज़ नहीं आएगी जो गैबत कुबरा के बारे में जो चीज़ें आई हैं कि ये गैबत कुबरा में करो तो उसको बहुत से लोग मानते ही नहीं हमारे यहाँ कि यह तैयारी से इसका क्या ताल्लुक़ है लेकिन इमाम कह रहे हैं ये गबत कुबरा में करना तो इशाराता मैंने कहना चाह बा ये पूरा एक मौजू है इसके ऊपर अभी बस ये एक, एक जहन में रहे कि जब भी कोई बात करे ूर की तैयारी गैबत में क्या करना है तो आपके जहन में एक चीज़ और सवाल कर सकें आप उससे जाकर कहाँ से बात कर रहे हैं क्या कर रहे हैं किधर से हो रही है ये बात क्या जिम्मेदारियाँ हैं इमाम ने क्या कहा है किस रिवायत में इमाम ने वर्ड ये यूज़ किया है आप उसके तर्जुमे में ये तर्जुमा कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास एक रिवायत आई कि जो इमाम ने इसी दूसरे तो काफ़ी में है इख्तलाफ रवाबात के अंदर इख्तलाफ रिवायत रुवा, में है कि यजी कुम ख़बरान आपसे दो रिवायतें आती हैं दोनों आपकी तरफ से हैं एक हमें हुक्म दे रही है उसी चीज़ का दूसरी चीज़ हराम कर रही है फ़र्ज़ कर लीजिए मिसाल है ये मिसाल 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 अभी कोई बकरे का चांद देखते वक्त कोई साहब ये कहें मौलाना आपने कहा मिसाल है फिर कह रहा हूँ मिसाल है कि चांद देखते वक्त दुआ पढ़ो हराम है एक रिवाज़ रही चांद देखते वक्त दुआ पढ़ो वाजिब है मिसाल तो हम क्या करें इमाम ने बताया किस रिवायत को लो उसको किसी खुदा की लाना तो उसके ऊपर और वाकन लाना तो खुदा रसूल खुदा के वादे के मुताबिक जहन्नम में उसका ठिकाना हो उस रिवायत को मस्क किया गया किसी मलऊ ने किसी जाहिल ने उसको सोसाइटी की कयादत के ऊपर लाकर कर मुंतबिक किया और फिट किया कहा कि अपनी सोसाइटी में कयादत ऐसे लोगों की रखो यानी मुझे नहीं पता कि शर्म आई नहीं आई कि हद तक बेहयाई हमारे यहाँ फैल चुकी है कि हजरत खुदा के नाम से हम तर्जुमा करके मश करें रिवायत को बीच में से हसफ करें अपनी मतलब का तर्जुमा करें और इमाम ये कह रहे हैं तो ये खेल नहीं है जो भी आइम से मरबूत चीज़ों को पॉल्यूट करेगा कॉन्टीमिनेटेड करेगा बर्बाद हो जाएगा वो और उसकी बर्बादी बड़े दिलचस्प अंदाज में होगी उसको पता ही नहीं लग सकेगा आज़ादारी में जो अभी आज़ादारी के अयाम आने वाले हैं जो आलूगी फैला रहा है जो किसी भी चीज़ में चाहे नौहा खान है मरसिया खान है अल्लाह है पे इमामा है अबा कबा है टोपी है शेरवानी है ये सब हमारे बनाए हुई चीज़ें हैं इमाम इससे कोई ताल्लुक नहीं है जो तलीमत तेजबेत के अंदर अनराफ़ फैलाएगा ये नहीं कि वो फाखों में घिर जाएगा लुत्फ की बात यह कि फाखों में नहीं घिरता फाका हमेशा अबूजर और सलमान के नसीब में आता है इसकी दुनिया बड़ी अच्छी चलती रहेगी बड़े मतलब बड़ा शहरत भी मिलेगी इज्जत भी मिलेगी तो ये चीज़ आप देखें याद रखें और हमारे लोगों को भी अलहमदल बड़ी खुशी होती है निजास के साथ मिले हुए तलीमत अहलबैद को लेने में बड़ी खुशी होती है क्यों होती है क्योंकि हम खुद मुतसिल नहीं हैं इससे सला साल गुजर जाते हैं जियारत का तर्जुमा आलिया क्या कह रही है अमीन जियात जाम कबीरा नजरूबल में क्या कहा इमाम ने तो ये इसको देखें समझें इसको ऐसा ना हो कि हर आदमी राह चलता हुआ आए और आपके जहन को खराब करके चलाए बहरहाल ये मसला ये जो मैंने कह दिया ज़िम्मेदारी है समझाना इसलिए कहा वरना ये जो मैं कह रहा हूँ मेरी जिम्मेदारी शर् अदा हुई है वरना फ़ायदा इसका कुछ नहीं होने वाला ये मैं आपको बता दूँ शायद बहुत ज़रा जहूर सा एक बहुत ही मुख्तर सी फीसद में परसेंटेज में फ़ायदा होगा इसका लोग अपने उस चीज़ को देखिए लोगों की हालत ये है कि मूसा के साथ कई साल से रह रहे हैं दरिया नील से गुजरे कह रहे हैं कि हमें भी ऐसे बुत चाहिए जैसे इस कौम के बुत हैं तो नबी को देखकर जब लोग नहीं सुधर सके तो मौलवी को देखकर मौलाना की बात सुन के क्या सुधर बहुत एक कम परसेंटेज होती है हमेशा याद रखिएगा तो ये मैं अपनी जिम्मेदारी और दिल का बोझ हल्का कर रहा हूँ ये मुझे कोई कतन तो नहीं है कि जितने सुनने वाले हैं माजरत के साथ गुस्ताखी ना हो लेकिन ये हकीकत है इसलिए बता रहा हूँ कोई खुशफहमी में ना रहे आप लोगों की तोहन की गरज से नहीं कह रहा आपको खुशफहमी से निकालने के लिए कह रहा हूँ कि आपने सब ने समझ लिया कि एक चीज़ को उसके जमाने को नहीं हो सकता ये हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल है मगर ये कि इंसान बड़ी एहतियात से चले और कदम को फूंक-फूंक के रखे अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे तो ये ये जो सिलसिला है ये बड़ा मुश्किल है और नज़रियात की एक जंग भारत अब अगला चैप्टर जो है हमारा वो है माँ यूफसलो बेही बे इना दावलमुहिक वलमलफी अमरिल इमामा जिस चीज़ के जरिए फैसला किया जाता है उसका कि जो इमामत का दावा कर रहा है सच्ची इमामत का झूठी इमामत का ये रिवायत जो है ये बड़ी तवील है मैं इसका खुलासा पेश करूँगा और रिवायत पहली रिवायत है इसी चैप्टर में लोग कहेंगे मौलाना अभी मजम्मत कर रहे थे बुरा कह रहे थे अब खुद रवायत का कह रहे हैं खुलासा पेश करूँगा खुलासा पेश करने में कोई हारा नहीं है आपने रिवायत को उस चैप्टर से उठाकर कि किसी दूसरी चैप्टर मुंतकिल कर दिया बीच में से हसफ़ कर दिया आपने रिवायत को रिवायत के टॉपिक को आपने चेंज कर दिया तर्जुमे में आपने खयानत की आपने पाँचों छठे इमाम के साथ खयानत है। तो ये एक बात सुन लीजिए आप अभी मुहर्रम आएगा फिर वो मौसमी टर्राहटें शुरू हो जाएंगी वह फिर एक अजीब मुसीबत है वहाँ पर और हर शख्स अपने आप को समझ रहा है कि वो वाक जैसे उसने में रूह है और आजादारी के बारे में वो एक अलग दर्द है वो एक अलग दुख है वो छोड़ दीजिए उसको ये रिवायत बड़ी अजीब है कुछ लोगों का इख्तलाफ था अमीन मोमिन के साथ खिलाफत है अमीन ममन में तो वो बड़ा लंबा इख्तलाफ चला कि भाई हम हमें आप दूसरों के साथ तरह ट्रीट करते हैं तो अलीब नबी तालि में कहा भाई मैं जो तमाम मुसलमान है वैसे ही तुम मुसलमानों के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अहमियत है जो तमाम मुसलमानों में वो पंजतन की है पंजतन का हिसाब जुदा है मदीना में रह रहे हैं बाकी आम मुसलमान तमाम के तमाम एक लेवल पर हैं मगर ये कि रसूल ख़ुदा किसी के बारे में कोई हदीस बयान फरमाएं मसला हनजला जुशहादत हंजला जब भी तुम आओगे अगर तीन लोग मौजूद हैं दो लोग मौजूद हैं तो तुम्हें दो समझा जाएगा एक आदमी मौजूद है कत्ल की गवाही देने के लिए तुम आओगे कोई गवा नहीं है कत्ल का तुम हो सिर्फ तो तुम्हें दो समझा जाएगा यानी जहाँ भी दो के डिजिट कम होगा तुम दो के बराबर हो बात ख़त्म हो गई अबूजर से बढ़कर कोई सच्चा आदमी नहीं अच्छा मुनाफिकीन के बारे में पूछना है आम लोगों में हुए से पूछो कह दिया बिलाल अजान बिलाल अजान देंगे बस कोई और नहीं देगा अब बिलल अजान देंगे यह घर का दरवाजा मस्जिद में खुलेगा इसका वही खुलेगा कोई और नहीं खुल सकता अच्छा अब बड़ी तफसी में साल तो ये तो अमीन मुमन इम्तियाजी सलूक नहीं करते थे किसी के साथ मगर अहल बैत उनका अपना एक मकाम है ये रसूल खुदा देकर गए ये अमीन मुमनिन के हाथ में नहीं है वही आ चुकी है तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे साथ इम्तियाजी सलूक कीजिए मौलाना ने कहा नहीं अख्तिलाफ़ हुआ वो मौला को छोड़ चले गए जब मोला को छोड़ कर चले गए तो बहर किताबत गुफ्तु इस तरह की चीज़ें होती हैं भाई तुम क्यों चले गए आओ वापस इस तरह का लगता है ये कि रिवायत के माहौल से तेवर सके ये हुआ बहर मसला किसी जगह इतफ़ा राय पर नहीं पहुँचा कि मुतफ़ हो जाए और मवाफ़िकत हासिल हो जाए किसी एकॉर्ड पर किसी एक डील पर नहीं पहुँच सका आज के दौर में तो उन दोनों ने एक शख्स को भेजा कि जाओ अलीब नबी तालब को हमारी आखिरी हजत पूरी करके आ जाओ उन लोगों ने कहा आप जाइए और जाकर ये बात कही है उससे उस शख्स से कहा बनी अब्द कैस कबीला है उसका एक शख्स है उसका नाम था ख़दाश उससे कहा तुम जाओ और जाकर अली को हमारा पैगाम दो यह कहना जाकर हमारा 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 जो मुद्दा है वो ये है हमारा जो पॉइंट है वो ये है अब यहाँ से जो बात शुरू होती है जो उसको नसीहत की खदाश को वो बड़ी अजीब है मैं पढ़ता हूँ और आपके सामने तर्जुमा करता हूँ देखो तुम जाओ हमारी तरफ से हम बड़े अली के चाहने वाले हैं दोस्त हैं कोई दुश्मन नहीं है हम हम कोई वो नहीं है कि हम अली हम कहते हैं हमें बस ये हो, हो जाए तो हम साथ आ जाएंगे नहीं हुआ तो हम आपसे अलग हैं और फिर ये जुदाई कहाँ तक जाएगी अब यह तारीख़ ने बताया कहाँ तक गई जुदाई वो तो ये मैं अपने समझाने के लिए कह रहा हूँ अपने नौजवान बच्चे बच्चों के लिए कि हम कोई नहीं चाहते कोई सब करना आप जाते तुम हमारी बात तो कहो जाकर खिदायत से कहा बनी अब देख के एक आदमी से भेजते वक्त क्या कहा अब आप अल्फाज सुनिएगा इन न बसो का नाफो बेसहर वल बेसहर वल केहाना देखो हम तुम्हें एक ऐसे शख्स के पास भेज रहे हैं कि बहुत लंबे अरसे से हम इसके घर वालों को जानते हैं जादू बड़ा ज़बरदस्त आता है कि हानत यानि ये महियाल काम करते हैं और ये मतलब जादू वगैरह जादू टोना और गैब की चीजें इनके पास हैं ऐसे आदमी के पास भेज रहे हैं तुमको जादू टोना शहर उसके पास भेज रहे हैं किसके पास अली के पास और बहुत पुराने ज़माने से जानते हैं कि इसके घर वालों के पास ये ताकतें हैं वनता ओ सख्त मन बे हज़रत ना मिननफुसैन उसका जादू बड़ा ख़तरनाक है तमाम लोगों में जो हमारे साथ रहते हैं नज़दीक के हैं हम तुम पे सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं कि तुम पर उसके जादू का असर नहीं होगा मिनन तम कि जो अपने आप से दूर कर सके जादू को अली के तुम सबसे ज्यादा तुम पर अहतमाद है हत्ता तफक् अला अमरिन मालूम हत्ता तखिफह अला अमरन मालूम माज़रत के साथ तफक् दूसरा लफ्ज़ है तफक् से आए तकफ़ा तुम हमारी तरफ से अली के साथ मुहजा करना बहस मुबादा करना हमारी तरफ से मुकदमा लड़ना अली से हद तक तकफ़ाहू यहाँ तक कि तुम अली को वाकिफ़ कर दो रोक दो अला अमरिन मालूम एक वाज चीज़ पर के भाई अब यह नतीजा निकल कर आ गया वाहम अच्छा जान लो अनहू आजमन्ना से दाउन वो जो है ना बड़ा अपने दावे को अपने आर्गूमेंट को अपने व्यू जो पॉइंट होता है उसको पेश करने में तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा अजीम है और ये बात वाकया देखिए मैं मौला कायनात के बारे में जो दुश्मनों ने जुमले कहे एक लफ्ज़ कहा एक लफ्ज़ एक लफ्ज़ नबी करीम ने हदीसे कहे वो तो भरमार है वहाँ तो हम रसुलदा को छोड़ दें हम कुरान को थोड़ी देर के लिए कहें ठीक है जो दुश्मनों ने अब यही जो आज़मन्नास दावन आज़मानन्नास दाउन ये तीन लफ्ज है ना आजम अन्नास दावन इस तीन पर अगर आप बलागा में जाकर देखें तो इस तीन के ऊपर शायद मैं कहता हूँ कि एक महीने तक मजस दर्ज दिया जा सकता है कि खुद अलीब नबी तालिब अपने दावे को प्रेजेंट कैसे करते हैं यानी हम जब अलीब नबी तालिब का नाम लेते हैं तो एक जज्बाती बहादुर शमशीरजन सुखनरान सुखनवर मुकर ओरेटर की बात नहीं है आजम उन्ना जब दावा पेश करता है तो सबसे ज्यादा अजीम तरीन होता है उसका यानी प्रेजेंटेशन ऐसी है, है इसके ऊपर नजुलबरागत से शायद तीस चालीस दिन गुफ्तगु की जा सके जो खुद मौलाना अपने दावों को आर्गोमेंट्स को पेश किया है व्यू पॉइंट कहते हैं ना व्यू पॉइंट को पेश किया हरगिज हरगिज तुम्हें तोड़ ना दे उसके दावे की प्रेजेंटेशन तुम खत्म स्मैश क्रस्ट हो जाओगे ब्रोकन टूट फूट जाओगे बिल्कुल पीसेस में तब्दील हो जाओगे वो इस तरह से बात करेगा तुमसे यही जुमला अबन अबील औौजा ने इमाम सदक के बारे में कहा हम पढ़ते हुए आए उस या फला यक सुरन न का मजीद से पढ़ें मुजरस से पढ़ें तोड़ेंगी तुम खतरनाक आदमी है अच्छा उसके एक धोखा देने का तरीका है बट बड़ा धोखेबाज है यह अली खुदा ख, खुदा, आख धोखा जो देता है ना लोगों को जो ट्रैप में ले आता है झांसे में अपने उनके अल्फे वह है अतम व शराब व असल व दोहन, खा खाना खिला के शरबत पिला के चिकनी चपड़ी बातों के जरिए या शहद खिला के वाइंग यु रजुल और इंसान को अपने पंजे में जकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा ये खतरनाक आदमी है तुम्हें तो पता नहीं लगेगा कहाँ से तुमने चोट खाई अच्छा, फला लहू तमन अच्छा फ़ला लहू तमन है यहाँ पर फला ताकिन मदत नहीं का फ़ला ताकुल तमाम का फला ताकुल लहू तमन उसकी खातिर कुछ मत खाना ये अलग जुमला है ये खाने की बात नहीं हो रही वो लाख तुमसे कहे मेरी खातिर खा लो यहाँ से फला लहू वो कितना पे क्या मुझे खुशी होगी तुम मेहमान नहीं खाना उसकी बात को सुनते हुए बोला तशरब लहू शराबन कोई चीज़ पीने को दे शरबत दे मत पीना सब पे इसने जादू टोना किया हुआ है अच्छा ये बड़े सगीर की फिक्र चौदह सौ साल से है नन देवरानी पे जादू करती है देवरानी नन पर अच्छा करना कराना कुछ नहीं जादू हो रहा है सिर्फ मेरी समझ में यहाँ था जादू हो रहा है तो आप बिल गेट्स पर जादू कर लीजिए ना उसकी कंपनी ठप हो जाए आप हिंदुस्तान के अंदर जो अरब पति है पाकिस्तान में जो अरब पति हैं उस पर जादू कर लीजिए कि वो आकर ला के आपको चार पाँच अरब रुपए दे के चले जाएं ये हमेशा ख़ानदानों में जादू होता है और मतलब अजीब तरह सा है अब मैं नहीं कह रहा कि नहीं करते लोग करते हैं बिल्कुल करते हैं यह बात वाज़ है वह असर करता है नहीं करता है एक अलग बात है और दूसरी एक तोाहम यह है हर खवा ख़ातून को जिनके घर में जरा चार गिलास टूट गए कि जादू तो नहीं हो रहा कुछ टो तो टोना तो नहीं हो रहा कुछ हमारे यहाँ लखनऊ में कोई बहुत आलिम थे बड़े उन्होंने कहा कि जुम्मे की नमाज़ में तकरीर में क्या भैया यहाँ पर हर आदमी जादू कर रहा है हम यहाँ पर मौजूद हैं हमारा नाम भी पता है आपको वालद का नाम भी पता है सब कुछ बता देते हैं हम पर जादू कर दे कोई खुदा के लिए तो ये जादू कैसे हो रहा है तो ये जादू कर देगा तुम पर खाना पिलाने के ज़रिए बच्चा खाला के घर में जा रहा है तो माँ कह रही है मत खाना फूफी के घर में जा रहा है वहाँ मत खाना उसके घर में जा रहा है वहाँ मत खाना होता है जादू करते हैं लोग हसद है लोगों में बीमारी है बड़े मरीज़ हैं जहन्नम कमा रहे हैं लेकिन होता है कि नहीं होता क्या होता है ये एक अलग चीज है और हक है ये ये भी बता दूं मैं कि ये आसान चीज नहीं है लेकिन मसला ये कि हर जगह जरा सी बात पे तो इंसान अपने आप को देखिये क्या कहा जाए फला ताकू तशलू शराबन कुछ खाना पीना मत करना वाला तमसलहु असल दोहन वाला तख्लुम आहू छूना मत जो शहद दे तुम्हें शहद को क्योंकि शहद पहले यूँ उंगली से यहाँ पर हम देखते हैं उमानी जो हलवा होता है किस तरह से खाया जाता है उसको वाला दोहनन ये रोगन कहाँ से आ गया क्योंकि जब आप आते थे तो चलते हुए आ रहे हैं कहीं से तो आपकी खाल खुश्क हो चुकी है तो चेहरे पर हाथ पर तो इसलिए कहा कि छूना मत तेल को तेल मला जाता था दाढ़ी पर तेल मला जाता था ये एक पहले वो था तरीक़ा दाढ़ी को मअतर किया जाता था तखलुमा हूँ अकेले मत बैठना उसके साथ वह हजर हाजा कुल्लह मिन हुँ। जो जो नसीहतें की हैं एक को भी तुमने कहा चलो थोड़ा सा पी लें तुमने पिया गया यह जादू टोने वाला आदमी है इसके सारे घर वालों को जादू टोना आता है वन तलिक अला। मुझे हंसी क्यों आ रही है आप भी समझ रहे वन तलिक अला बरकतल्ला अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर जाऊ अब मैं क्या कहूँ खुदा कहाँ था उस वक्त खुदा किसके साथ था वन तले कलामर जब मैंने रिवायत पढ़ी तो मुझे दुख भी हुआ अफसोस भी हुआ गम भी हुआ कितनी शख्सियतें शख्सियत कितने पहलू मौला की इसमें से निकलते हैं बखुदा नहीं बता सकता इंसान सारी चीज़ें वन तले कला मर का तिल्ला फ़ैज़ा आए तो सखरा जब देखना उसको तो आए सखरा पढ़ना सूरज कहाव कि चवन व पचपन में आयत बाद चवन पचपन है बाद ने अख्तलाफ किया है और ये आयत जो है सुबह की नमाज़ के बाद पढ़ना सवाब है यह आयत जिन भूत प्रैत ये सब इन चीज़ों के लिए पढ़ना सवाब है अब कहा गया पढ़ें इसको अगर किसी को डर है किसी से शयातिन से अबालसा से तो इसको पढ़े चौवन पचपन आयत को सूरह आराफ की तो चौवन आयत सखरा इसको कहते हैं बहुत ज़्यादा इसका सवाब है पढ़ने का और इसके अपने असरात हैं तो ये पढ़ना अच्छा ये कैसे पता लगा इन साहिबान को कि आया सखरा जो है वो उसके अंदर ये असर है रसूल ने बताया ना रसूल ने ये नहीं बताया कि अली नबी ताली बहुत जादू टोने वाला आदमी है यह अजीब चीज़ है इंसान के साथ रसूल ये कह के गए कि एक ज़रबत ऐसी है दो जरबत ऐसी है नमाज ऐसी है रुकू ऐसा है फलां ऐसा है दरवाज़ा ऐसा है बच्चे ऐसे हैं ये ऐसा है वो ऐसा है जबान चुसा रहे सब दिखा के गए तो आपने कहा कि ये अ मैम मैं, मैं वाकई मुझे समझ मैं तंज़ में नहीं कर रहा मैं मुझे समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है यहाँ पर यह वह तवज बिल्ला कैदी व कैदी शैतान उसकी हथकंडों से खुदा की पनाह में जाना और शैतान के हथकंडों से जब उसको देखो उसके पास जाओ तो पनाह में जाना देख रहे हैं आप आपके शैतान के बराबर किसको लाया जा रहा है फैज़ा जला सहला है जब उसके सामने बैठ जाओ फला तुमकिन हो मिन बसरक ही मुसलसल आंखें भर के निगाह भर के उसको मत देखना जरा सा कि कहाँ से देखना थोड़ी थोड़ी देर के लिए ग्लिम्सिस झलकियां देखना उसकी वाला तस्तानिस में ही बहुत ज्यादा उसके साथ मानूस मत हो जाना अपने दिल को उसके पास मत रख देना उसकी चीज़ होता है ना हम जाते हैं किसी के पास बहुत पसंद आ रहा है अच्छा लग रहा है गुफ्तगु शुरू कर दी सुबह कुल्ला हूँ सब काम करके फिर क्या ना इन नवई का फिर दीन व अपने अम अखिल ख़राबा युनाशिदानखिल तुम्हारे भाई जो दीनी भाई हैं तुम्हारे और तुम्हारे चचा के बेटे हैं दोनों रिश्ते में वो तुम्हें कसम देते हैं कि जो तुमने हमारे साथ हमारा हिस्सा जो दिया उस सिलसिले में तुम्हारे साथ तुम्हें कसम दे के पूछ रहे हैं और व यक़ुल लगा ये तुमसे ये कह रहे हैं अमां ताल मुन्ना तरक् नस्ल का व ख़ालफना आशा रखी का अशा नफ़ीक मुंसक़ल वजन तुम्हें खुदा की कसम है तुम कसम दे रहे हैं तुम्हें अली ये बताओ कि हमने तुम्हारी खातिर सब लोगों को नहीं छोड़ा था हमने अपने कबीले वालों को तुम्हारी खातिर मुखालफत नहीं की थी जब से अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसलम को उठाया अपने पास लिया जब से हमने अपने कबीले की मखालफत तुम्हारी वजह से नहीं की थी जब से हमने अपने घर वालों की मखालफत कौम की मुखालफत तुम्हारी वजह से नहीं की सबको छोड़ के तुम जुड़े थे किया था नहीं किया था मनालिन अब जरा सी तुम्हारे पास हुकूमत क्या आ गई जरा सा तुम्हारे पास चीज़ें क्या आ गईं जया अत हरमत न तुमने हमारी हरमत को ज़ाया कर दिया वत राज न तुम्हारी तुमने हमारी उम्मीदों को मुनख़ा कर दिया ख़त्म कर दिया अद न मनाल इनके रत्ती बराबर तुम किसी मकाम पर पहुँच गया तो ये किया तुमने सुनना क़द्र आई था आलाना फ़ी का वन आल ना तुमने देखा कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया और फिर तुमने ये भी देखा कि हमने तुम्हारे साथ नजदीक कितना रहे फिर हम तुमसे दूर हो गए बस अचल बिलादू नक तुमने देखा कि तुम्हारे हाथ में जो 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 भी इलाका है और जो भी टेरिटरीज हैं वो तुमने देखा वाइन अमन का अन्ना व अनसा तहना अकल्ला का नफ़ा अल्वाफ़ान का दफ़ा देखो जो तुम्हें हमसे बद बदबदन कर रहा है ना जो कह रहा है कि इन लोगों से काफे ताल्लुक़ कर लो तुम ना उनकी बातों में आ गए हो अजीब बात है ये एक तरफ कह रहे हैं कि अली से बड़ा कोई जादू टोने वाला नहीं है वो जादू में हर एक को बेवूफ़ बना देता है हथकंडे उसके पास ऐसे फिर कह रहे हैं कि लोग तुम्हें नाव बिल्ला नाव बिल्ला यानी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे आप देखिए ये जो कहा है ना अमन अक्ल मन कहना यसुरफ का अन्ना जिसने तुमको हमसे दूर कर दिया वह ना, हमको कुछ दे देते वजीफ़ा ज़रा ज़्यादा जिसने तुमको हमें हम वजीफ़ा देने से सैलरी सोशल सिक्योरिटी के जो अमाउंट्स से वो देने से रोक दिया उसका फ़ायदा हमारी नस्बत बहुत कम है तुम्हारे लिए हम तुम्हारे बहुत मुफीद हैं वह अज अफ़ अदफ़ अनमना और उसकी हमायत तुम्हारे लिए अगर तुम समझो वह हिमायत का रोक करेगा तुम्हारी उसकी हमायत बड़ी कमज़ोर है हमारी हमायत तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएल है हम तुम्हारे बड़े पावरफुल हामी हैं हमारा वोट बैंक बड़ा अच्छा है वक़्त बस ज़ह सुबह लभी सुबह आंखों मारने के लिए वाजे हो चुकी है आंखें खोलो अली कहाँ जा रहे हो किन नादानियों में पड़े हुए हो वक्त बलगन आन का इंतहा का लना व दो आन अलना अली एक और बात भी पहुँची है हम तक पैसे तो नहीं हमें 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 प्रोटोकॉल नहीं देते अलग बात है रुपये पैसे डेजिग्नेशन के जरिए और एडवाइज़र बनाओ ये करो लेकिन एक और बात पहुँची है इंतहा कन लना तुमने हमारे हरमत को पामाल कियाहा यानी हद की हरमत व दुआ ना लेना तुम हमारे लिए बद दुआएं करते हो यह भी पहुंचा है फमदी अमेलो का आला चीज ने तुम्हें एक काम करने पर मजबूर किया है फ़कत कन्ना नशजरसानरब हम तो ये देखते थे और हम तो ये देखते हैं समझते हैं कि तुम अरब के बहादुर तरीन शह में से हो बहादुर आदमियों घोड़े पे चढ़ के हमला करता तलवार जन बहादुर फ़ौजी हो ये क्या दुआ बदुआं करते रहते हो ये मतलब बड़ा घटिया काम है ये मेरे अल्फाज हैं रिवायत के समझाने के लिए कह रहा क्या अत तख्ला दीन क्या हम पर लान करना तुम्हारा दीन करार पा चुका है जो तुम हमारे लिए बदुआएँ करते हो वह तरा अनना दादे की अक्सर नंक और तुम ये देखते हो कि ये चीज़ तुम्हारी तरफ से अगर हम तक आएगी तुम्हारी लान और बदुुआ तो हमें तोड़ फोड़ देगी ये हमें बर्बाद कर देगी क्या खत्म हो गई बात ये कहना जाकर उससे फलम आता ख़दाश अमीर साना हो जब आया वही किया उसने जो उन्होंने कहा था ये जो मैं अब टुकड़ा पड़ रहा हूं ना अब यहाँ से वो पहुँच चुका है मौला के पास और मौला के पास जब पहुँच चुका है अब यहाँ पर एक जगह आएगी मैं इशारा करूँगा लिबर्टी ऑफ और फ्रीडम ऑफ थाट अली यानी जहनम में जा रहे हो ना जाओ पसंद है जहन्नम जाओ लेकिन देखो जन्नत को पहले अली से सुन लो क्या है तो अच्छा तुम ये कहोगे या अली को मोज़ा दिखाइए कि मैं जहन्नम से बेजार हो जाऊँ यह अली अमीन ममिन मोजा भी दिखा देंगे हाथ रखेंगे दर दिल पर दुआ पड़ेंगे तुम इस तरफ आ जाओगे तुम कहो तो तुम्हें चाहिए क्या ये वाक वो हाइट है शख्सियत के अमीन ममिन के कि जिसको कोई सिवाय खुदा और रसुल खुदा के नहीं समझ सकता अलमाता ख़दाश अमीर अम्ण, जब नो खदाश अमीर नमिन के पास आया तो वही किया जो उसको हुक्म दिया गया था फलम नजरअल आदि क्यूँ मौलाना जब उसको देखा वह हुआ यूनाजी नफसा ये खिदाश कुछ बड़बड़ा रहा था अपने जेर लफ जमजमा कर रहा था अमीर ने देखा कि इसके होंठ न जहा का भाई इतना बड़ा जादूगर है अली तो ये भी समझ जाएगा क्या कर रहा है मौला हंसे और यकीन की जब मैंने रिवायत पढ़ी तो मैं भी हंसा कि मौला हंसे तो हम भी हंसे मतलब किन ओछे और बहुत ही कमजोर हथकंडों के जरिए तुम अली का मुकाबला करने आए यकी आयत पढ़ रहे हो अलीबी तालीब के शर से बचने के लिए वाला वा हा होना या इधर आके बैठो मेरे अब्दा खैस कबीले के भाई वो अशारा अला लाहू अलाम जिसन करीब उनमिन हो अपने पास का यहां आके बैठो फकाल मा उसम का नहीं नहीं जगह यहीं पे बहुत है मैं यहीं सही हूँ बेचारा डरा हुआ था अन उर्दीका रसालतन एक खत देना चाहता हूँ बस मौलान ने कहा कहाँ से आ रहा है सैकड़ों किलोमीटर से बल तत्मशर व तहल सियाक व तुदहन सुमत वी रसालत कुंब या कम्बर फांजिल हो अभी घोड़े से नहीं उतरा लगता है कहा कि देखो खाना खाओ कुछ पियो अपने लिबासों को ज़रा खोलो उतारो लिबास उतारने का मतलब क्या है अबा कबा अंदर दजदाशा है अमामा पहना हुआ है जंग के अयाम चल रहे थे शायद तो वो तो अबा कबा उतारो अमामा उतारो पटका खोलो दजदाशे में आओ थोड़ा गरेबान वगैरह खोलो हवा लगे तो वहाँ से अरब जैसे कबा होती है अबा होती है दजदाशा होता है पटका होता है एजार होता है सर पर अमामा बंधा हुआ है तो ये रिलैक्स हो जाओ जरा व तद ज़रा रोगन वगैरह लगाओ क्योंकि खुश्क हो जाती थी खाल फर्श कीजिए बाज दफ़ा चिटकने लगती थी पाँव में दर्द हो रहा है करबला जाने वाले जानते हैं तेल की मालिश करो अपने फिर इस खत दे दे देना कम्बर उठो और इसको अच्छी जगह पर लेके जाओ काला माँ अभी शहीद में मजा करता हा जाइए जो आपने कहे मुझे कोई जरूरत नहीं है भाई मैं बहुत डर हुआ पहले मुझे कोई ज़रूरत नहीं है काला फ अख्लू बेक अकेले में बात कर लूँ तुमसे देखिए ये मौला किसी रिवायत में नहीं मिला मौला ने आने वाले मेहमान से ये कहा कि खा लो पी लो रोगन लगा लो इसका मतलब ये कि जब गुफ्तू हो रही थी तो अलीम नबी तलेब वहाँ मौजूद थे और उन्हीं तरीक़ों से कह रहे हैं कि भाई अब ये बेचारा समझ गया होगा ये बहुत बड़ा जादूगर है खुदा मेरी खैर हो फिर उन्होंने क्या कहा था अकेले मत बैठना जब उसने शहद खाना पीना इनकार कर दिया तो कहा वखलूबैक अकेले में बैठ जाओ तुम्हारे साथ काला काला खिदाश ने लिया आलानिया नहीं हमारा जो हर राज है वो डिस्कलोज हो चुका है नो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सबके सामने बात होगी बेचारा तरह बात काला फाउन शुदो कब्ल अक्रब सिख अच्छा तू नहीं चाह रहा अब मैं तुझे कसम देता हूँ उस खुदा की जो तेरी से खुद तेरी ज्यादा जाद नजदीक है जो तुझ ज्यादा नजदीक तुझसे अलहबाई ने को बकल जो तेरे और तेरे कल्ब के दरमियान भी हायल हो जाता है यानी तेरे दिल में क्या गुजर रहा है तुझे नहीं पता चलता बड़े अजीब कसम है ये, यह अलविया वो खुदा उसकी कसम दे रहा हूँ जो आंखों की ख्यात को जानता है उमा तख्फ सदूर जो दिलों में छुपे हुए चीजों को जानता है अतकदमिलई का मैं तुझे वो बताऊं क्या तुझे पहले ये कह दी गई है बात जो मैंने तुझे सारी ऑफर्स की हैं तू कहेगा हाँ कसम दे रो खुदा की जो मैंने तुझे ऑफर्स की हैं ये तुझे कह के भेजा गया कि नहीं खाला जी यही कहा गया था लो खतम तब आदमा मरतद्दरफुक अगर तूने कुछ छुपाया इसके बाद जो मैं तुझसे पूछता हूं मरतद्द अले के तरफु तेरी पलके भी नहीं झपकेंगी अब इससे मौला क्या कहना चाहते हैं मौला ये कहना चाहते हैं कि तेरी सांस रुक जाएगी तो मर जाएगा क्या होगा ये इसके बहुत से सेम हैं लेकिन बहरहाल मौला ने एक मुहावरा इस्तेमाल किया एक जुमला इस्तेमाल किया फौन शू हल हल्ला का कलामन तकुल आता इतनी उन्होंने ये कहा था कि जब तुम मुझसे मेरे पास आओ तो ये ये काम करना उन्होंने कहा था नाम जी कहा था काला आली मेरे अल्फात बता दूँ क्या कहा था क्या कहा था कहा था आय सुखरा पढ़ना ये कहा था कहा था नाम अब बेचारे का फकर आह पढ़ा आय सखरा को असर जो करी अब मेरे जुमले आय सुखरा जो अमल करी मेरी मशीत से मेरे इरादे से करी फ़क्र उसने आय सुखरा पढ़ी वह जो आला यु कर रहा वह युरद मौला कहना भी उसके बाद पढ़ रहे थे कहता फिर पढ़ो फिर पढ़ो व यफ्ता पढ़ो वहीफ्ताली अख्ता अगर गलत पढ़ता था कभी देखिए कई सौ किलोमीटर का सफ़र तय करके कर आया है ना पानी पिया ना खाना खाया ना लिबास उतार रहा है अपने चेंज कर रहा है ना ईज़ी हो रहा है ना फ्रेश हो रहा है थका हुआ होगा बेचारा तो वो पढ़ रहा है तो गलती कर रहा है तो मौला उसकी गलती बता दे ये दोबारा पढ़ो इसको हतीज़ करा सबीन अमर रतन जब सत्तर दफ़ा पढ़ ली उसने अब यह है अली इब्न अबी तालिब की लिबर्टी फ्रीडम देना सामने वाले को यह हक़ के मुतलक ऑप्टिमम ट्रूथ इज अलीब अबी तालिब में उसके बाद कोई ट्रूथ और सच्चाई नहीं है जब सत्तर दफ़ा पढ़ ली उसके साथ पढ़ रहे कहाँ अलीब अबी तालिब अब वक्त इतना तुम्हारी आई बेहूदियों में बैठ के अपना वक्त ज़ाया करूँ लेकिन हिदायत करनी है सत्तर दफ़ा जब पढ़ ली मौला कायनात तो उसके साथ पढ़वा रहे हैं उसको काला रजुल तो उस शख्स ने कहा माँ यार अमीर उमीन अमर बेतरदुदैन अमर रतन ये अमीर अमीन को सत्तर दफ़ा पढ़वाने में है क्या राज जो मैं अतनी देर से पढ़ रहा हूँ एक दफ़ा पढ़ लेता काफ़ी था उस शख्स ने पूछा सत्तर दफ़ा हो चुकी है क्या चाहते क्या हो तुम मुझसे अच्छा यहाँ पर मुखालवत क्यों नहीं कर सका उन्होंने ही तो कहा था उन्होंने हज़रा ने कहा था उन्होंने एक दफ़ा कहा था अच्छा ये एक दफ़ा हम तो सत्तर दफ़ा पढ़े तो और अली के शर से बच जाएंगे नाविल्ला तो मौलाना जब उसने पढ़ ली तो कहा अत कल्ब का इतमाना क्या तू अपने कलब में अब इतमान पा रहा है सुकून पा रहा है अब तो मुझसे डर नहीं लग रहा काला ही नफसी बेहद है उसके जिसके कब्जे में मेरी जान है बिल्कुल डर नहीं लग रहा फमा कला लग अब बताओ उन्होंने क्या कहा था फ अकबर हूँ सब बता दिया तुमने यह किया हमने यह किया तो जो ऊपर मैंने पढ़ा वो सब बता दिया फा अब मौलाना ने फरमाया कुलूम उनसे कह देना कि तुम्हारी मनतख तुम्हारी गुफ्तगु तुम्हारी जो गुफ्तु तुमने की है ना मेरे बारे में पैगाम भेजा यही तुम्हारे खिलाफ दलील बन गई है हमारे चैप्टर का कामान क्या था मा युफसलब वल अलदाकमबिल हकानियत के साथ जो इमामत का दावा करे और जो बातिल तरीके से इमामत का दावा करे दोनों को कैसे समझा जाए इमामत के सामने जब आप जाएंगे ना दावा लेकर किसी झूठे इमाम का तो आप कभी भी इमाम को लूज करता हुआ नहीं पाएंगे कोई चीज़ आपको ये भी कहना है अगर कि मौला यबन रसूल अंडा चौकोर है यहाँ से दलील को शुरू की मौला कहेंगे यहीं से बात को शुरू करो टोटल लिबर्टी ऑफ़ फ्रीडम आपको देकर इमाम मासूम बात करता है जहाँ से तुम्हें शुरू करना शुरू करो लेकिन मुझे एक हक दो मेरे सवाल का जवाब देना अंडा चौको ट्राइंगल उसके पूरे जाविये चार सौ अस्सी के बराबर होते हैं जी अब यहीं से बात को शुरू करो ये इमाम की कुदरत बयान है होती तो जवाम कहीं से तुम हम लोग तो जो कभी कभी इम्तिहान लेते हैं तो हम कहते हैं बच्चे से कि ये बेचारा कहाँ से हो तो टीचर जब इम्तिहान लेते हैं कहते हैं बेटा कहीं से भी किताब खोलो सबसे अच्छा जो तुमने पढ़ा है वहीं से जवाब दो तो ये क्या है भाई तुम कहीं से शुरू करो अब हम यहाँ से सवाल करेंगे अब आप बताइएगा मतलब जो हमारे यहाँ हौजे में इम्तहान होता है तो ये क्या मतलब आपने ख़ुद इख्तियार किया ना हमने तो इख्तियार नहीं किया तो ये एक बड़ा मसला है तो ये आप देखिए कितनी आज़ादी दे रहे हैं मौल का अच्छा उनसे कह देना जाकर जब वापस जाओगे तुम्हारी गुफ्तु जो तुमने मेरे खिलाफ़ भेजी है तुम्हारे खिलाफ़ खिलाफ इस्तेमाल हो रही है वालकौम िमी ख़ुदा नहीं हिदायत करेगा अगर तुम लोग जुल्म करते जुल अपनी पर अड़े रहोगे तुम ये कहते हो कि अखवाईफ द्दीन तुम दोनों दीन में मेरे भाई हो और नसब और ख़ानदान के लिहाज से मेरे चचाज़ाद भाई हो फ़ाह नसब रिश्ते की जो बात है फला उनके रूहू उसका इनकार नहीं कर सकता मैं नहीं कर रहा हो तुम लोग चचा लगते हैं तुम्हारे बाप मेरे वह इनकान नसब मकतूँ इस्लम अगरचे रिश्तेदारी को खुदा तोड़ चुका है मगर वह रिश्तेदारी जिसको इस्लाम ने जोड़ा हो अगरचे टूट चुकी है लेकिन हो तो तुम डी एन ए के लिहाज से मेरे अगर देखा जाएगा ख़ानदान में तुम्हारे बापों को मैं चचा कहता था और मेरे बाप के कजन्स लगते थे वहाँ लेकिन जो तुमने कहा अखबाइफ दीन दीन के सिलसिले में तुम मेरे भाई हो तुमस अगर तुम लोग सच्चे हो तो दीन को मुझको और तुमको दीन लाकर जोड़ता है किस पर कुरान मैं कुरान पे अमल कर रहा हूँ, तुम कुरान को ठुकरा रहे हो तो कैसे दीन में भाई हो देखिए आपकी इतनी सिंपल बात हो रही है तो फकत फारक तुम्हारा किताब अल्लाह तुमने किताब खुदा को छोड़ दिया वो तो ऐसा तुम्हारम रहू तुमने कुरा, कुरान को छोड़ दिया कुरान के होकाम को ठुकराया और कुरान के अहकाम को ठुकराते ठुकराते तुमने अपने भाई को जो तुम्हारा दीनी भाई था उसको भी ठुकराया कुरान कहता है मेरी हिमायत करो तो तुमने जब मुझे छोड़ा कुरान को छोड़ा कुरान को छोड़ा तो मुझे छोड़ा और अगर ये तुमने नहीं किया तो मेरी बात गलत है तो तुम फिर झूठ बोल रहे हो तुम लोग तुम्हारा दावा गलत है झूठ नहीं कहा मौलान ने कहा है माजरत तो तुमने झूठ बोला और बोहतान बांधा है ये दावा करके तो तुम लोग दीन में मेरे भाई हो दीन में भाई हो तो दीन के मुताबिक मसले को हल करो ना कुरान क्या मेरी हिमायत में ये नहीं कह रहा क्या कुरान मेरे बारे में ये नहीं कह रहा अगर तुमने अच्छा और जो ये तुमने कहा कि तुमने रसूल खुदा के जाने के बाद मेरी हिमायत में सबको छोड़ दिया मेरे साथ थे अब मैं सीट पर बैठा हूँ तुमको ऊपर लाऊं अगर तुमने अपने ख़ानदान वालों को घर वालों को कबीले वालों को बातिल की बुनियाद पर छोड़ा था तो ये गुना कमाया तुमने आप देख रहे हैं कि अलीब ने अभी तालिब को बात हो रही है मौला अपनी शख्सियत को नहीं ला रहे हाँ भाई क्या ये तो तुम्हारा भाई ये तो एहसान मानते हैं तुम्हारा इतना 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 अजीब जुमला ये अगर तुमने बादल की बुनियाद पर छोड़ा था मुझे मेरी खातिर घर वालों को तो बादल गुना है इसका गुना तुम पर है मुझसे क्या मांगने आ रहे हो ऐसान ला रहे हो और अगर अब मौला ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी नीयत क्या थी तुम्हारी नीयत में कहाँ तक खोट था कहाँ तक अच्छाई थी कहाँ तक की चीजें थी अच्छा जो तुमने कहा कि फ़कता आता रजा ना मैंने तुम्हारी उम्मीदों को मलिया मेट कर दिया तो मैंने तुम्हारी उम्मीदों को जो मेट किया है ला तइबान बहमदिल्ला मंदी शयन तो ये जो तुम बात करो दीन के सिलसिले में किया है तो मुझ पर जो ऐप लगा रहे हो ये दीन के सिलसिले में अलहमदिल्ला मैंने किसी तुम्हारी उम्मीद को मलियामेट नहीं किया वह लवी कुमा और ये जो जिस चीज़ ने मुझे रोक दिया है कि मैं तुमको मज़ीद ना दूँ फल सरफुमा हक व हमलाकुमाल खल ही मन रकबुम तो अमीन मम ने अजीब जुमला कहा कि अब ये रिवायत यहाँ से तवील है बार नतीज़ा ये निकला कि मौला ये रवायत ये रावी अमीन उनके साथी हो गया मौलाना का नहीं पहले ख़त लेकर जाओ और जाके उनको दो का क्या सर दुआ कीजिए जल्दी आपके पास वापस आऊँ तो फिर आया वापस और कुतला म आहू जमल जमल के दिन शहीद हुआ है मौला के साथी तो रवायत यहाँ से मैंने नतीज़ा बता दिया ताकि लोग परेशान ना हुआ क्या तो ये रवायत का तवील है और जुमले थोड़े से पेचीदा हैं पेचीदा हमारे लिहाज से तो मैं इन शह इसको फिर अगले हफ्ते और इससे ज़्यादा इस, इस वक्त हिम्मत भी नहीं है करने की तो बहर मैंने नतीजा बता दिया उस सस्पेंस को मैंने तोड़ दिया कि क्या हुआ तो ये हुआ था इसके साथ लेकिन मौलान ने फिर उनकी हजतों को जवाब दिया ठीक है और महमद मौल महमदी